हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड एडवाइस में स्वागत करती हूँ। यदि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, और ये ऐसा सवाल है जो मुझे कमेंट बॉक्स में कई बार पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रेगनेंसी में रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं या फिर नहीं, और किन खास कंडीशन में आपको रिलेशन बनाना अवॉइड करना चाहिए। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है जी हाँ, आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं, और इसके लिए सबसे सेफ पीरियड है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, यानी चौथे से छठवें महीने का वक्त प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाने के लिए सेफ माना जाता है। और डॉक्टर्स का भी मानना है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में मिसकैरेज का खतरा सबसे कम होता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन मेंटेन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन में रिलेशन मेंटेन करने से आपके और आपके पार्टनर के बीच बॉन्ड मजबूत होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान इस बॉन्ड में काफ़ी खिंचाव आ जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं और आपका मूड काफ़ी ख़राब रहता है। इसका असर आपके रिलेशन पर भी पड़ सकता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में रिलेशन मेंटेन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे रिलेशन तो मजबूत होगा ही साथ आपका स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कई छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस होने लगता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने का मूड नहीं करता। तो ऐसे में आप एक ग्लास दूध शाम को गुनगुना करके पी लें, इससे आपका मूड भी अच्छा होगा और रिलेशन बनाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, इससे आपको डिलीवरी में भी फ़ायदा मिलेगा, और आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भरपूर ऑक्सीजन भी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान किन कंडीशंस में रिलेशन बनाने को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन या फिर प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होने की समस्या है, तो ऐसे में आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मिसकैरेज हो रहे हैं या फिर आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है, तो भी आपको रिलेशंस को अवॉइड करना चाहिए। या फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और आपको दवाइयाँ देकर प्रेगनेंसी कन्फर्म करवाई गई है, तो भी आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस में आपकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल होती है। खास तौर पर शुरुआत के 3 महीने तो आप रिलेशन को पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अगर आपको ट्विंस हैं या फिर मल्टीपल बेबीज हैं, तो भी रिलेशन अवॉइड करना पड़ेगा, और इस केस में आपको पूरे 9 महीने तक रिलेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिलेशन के दौरान आपके बेबी बम पर असर पड़ेगा और हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए और मिसकैरेज का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप रिलेशन बनाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लें, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन को आपका डॉक्टर हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, और वो आपको ज़्यादा अच्छा सलाह दे पाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।